तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा सीरियल जो पिछले 12 साल से लगातार आपका मनोरंजन करते हुए चला आ रहा है। इस सीरियल ने भारतीय दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह बनाकर रखी हुई है। एक ऐसा सीरियल जो परिवार की कीमत बताता है, जो परिवार से प्रेम करना सिखाता है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव करना है वो बातें सिखाता है, दोस्ती किस तरह से निभानी है ये बातें सिखाता है, हमारे संस्कार सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करता है। लेकिन अब एक सवाल सामने आ रहा है कि कुछ लोग सिर्फ पैसे के खातिर YouTube पर वीडियो बनाकर इस सीरियल को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं कि ये सीरियल कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। और इस सीरियल के बंद होने की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है इस सीरियल के निर्माता असित मोदी, जिनके चलते ये सीरियल बंद हो जाएगा, इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है और सच बात भी यही है कि ये सीरियल बंद नहीं होगा। तो फिर ये अफवाह फैल क्यों रही है और अफवाह फैलाने का काम क्या है और अफवाह फैलाई क्या जा रही है? लोग अफवाह ये फैला रहे हैं कि असित मोदी जो है इस शो के निर्माता, उनका तारक मेहता के जितने भी कलाकार हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं चल रहा है, वो उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। शो की सक्सेस के बाद असित मोदी के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड आ चुका है। यहाँ तक कि इस सीरियल को लेकर एक अफवाह ये भी फैलाई जा रही है कि सीरियल में जिस तरह से दिखाया जाता है कि सीरियल के जो कलाकार हैं जब गोकुल धाम सोसाइटी में होते हैं तो उनके बीच कितना प्यार और मोहब्बत दिखाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में जैसे ही शूटिंग खत्म होती है ये सब के सब अपने अपने वैनिटी वैन में चले जाते हैं और एक दूसरे से बातें नहीं करते। इनके बीच जो प्रेम दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। अब देखिए इसके पीछे बातें क्या की जा रही है। बातें ये की जा रही है कि इस सीरियल के जो सबसे पुराने कलाकार थे भव्य गांधी, यानी कि पुराने वाले टप्पू, वो सीरियल को छोड़कर चले गए। फिर बात की जा रही है दिशा वकानी की, यानी दया बहन की, जो सीरियल छोड़कर चली गई फिर लौटकर आई नहीं। फिर बात की जा रही है गुरुचरण सिंह सोढ़ी, यानी रोशन सिंह सोढ़ी का जो किरदार कर रहे हैं उनकी बात की जा रही है, वो भी सीरियल छोड़कर चले गए। फिर नेहा मेहता की बात की जा रही है कि वो सीरियल छोड़कर चले गई, लेकिन देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिशा वकानी अपने निजी कारणों के चलते शो को छोड़कर चली गई, जब उनकी शादी हुई, शादी के बाद बच्चा हुआ, बच्चे की जिम्मेदारी के चलते वो इस सीरियल को ज्वाइन नहीं कर पा रही है और इसी के चलते उनके जगह पर अभी तक किसी को भी रिप्लेस नहीं किया गया है। भव्य गांधी यानी टप्पू की बात करें पुराने वाले, तो उनको फिल्मों में काम करना था जिसके चलते वो सीरियल को छोड़कर चले गए थे और शूटिंग पर आते नहीं थे, जिसके चलते असित मोदी काफी नाराज हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शो से टप्पू को नहीं निकाला था, टप्पू खुद से ही शो को छोड़कर चले गए थे। बात गुरुचरण सिंह सोढ़ी की यानी रोशन सिंह सोढ़ी की करें तो रोशन सिंह सोढ़ी के पिता बीमार थे, जिसके चलते उनकी देखभाल के लिए रोशन सिंह सोढ़ी ने इस सीरियल को छोड़ा था, उनका निजी कारण था। बात नेहा मेहता की करें तो नेहा मेहता यानी अंजलि तारक मेहता, वो भी अपने किसी निजी कारणों के चलते उन्होंने शो छोड़ा है, लेकिन कुछ अफवाहें ये भी उड़ी थी कि उनका असित मोदी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है, उन दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है, असित मोदी उनके ऊपर कोई दबाव डाल रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन हर कोई जो जो सीरियल छोड़कर गया वो अपने किसी न किसी निजी कारण के चलते ही शो को छोड़कर चले गए थे। अब देखिए जो लोग शो छोड़कर चले गए उनकी जगह पर किसी न किसी कलाकार को तो बुलाया जाएगा, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर किरदार उस शो का हिस्सा नहीं बनेगा तो सीरियल में कोई बात ही नहीं रह जाएगी। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस सीरियल में पहले जैसी बात नहीं रही, वो हंसी नहीं आती, वो टॉपिक नहीं मिलता है, लेकिन इसके पीछे की वजह ये है कि सीरियल की जो शूटिंग होती है वो हर हफ्ते होती है और रोज रोज नए नए स्क्रिप्ट लाना ये क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा काम है जो हर रोज नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये सीरियल अपने आप में मस्त है और बहुत ही अच्छा है, लोगों को कई प्रेरणा देता है। इस सीरियल को देखा जाना चाहिए, इस सीरियल से कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किसी तरह की कोई अफवाह फैलाई जानी चाहिए। तो ये जो भी अफवाहें फैल रही है सोशल मीडिया पर कि ये सीरियल बंद हो जाएगा, तो ये सारी की सारी अफवाहें झूठी है। यहाँ तक कि असित मोदी को लेकर भी जितनी अफवाहें फैलाई जा रही है वो सारी की सारी अफवाहें झूठी है। लेकिन आप लोगों का क्या कहना है, आपकी जो भी राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ, धन्यवाद।